हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल डीके स्टिचिंग टिप्स में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फुल स्लीव्स की कटिंग करना बताऊंगी परफेक्ट तरीके से। बहुत से लोगों को दिक्कत होती है कि स्लीव्स की हमारी परफेक्ट तरीके से फिटिंग नहीं आती है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगी। तो ये देखिए, यहाँ पर फोर फोल्ड में हमने कपड़ा ले लेना है जैसे कि हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर फोर फोल्ड में मैंने कपड़ा यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अब देखिए, यहाँ पर जो स्लीव्स की लेंथ है फ्रेंड्स, वो आप कम ज्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। जितनी आपको आपकी स्लीव्स की लेंथ रखनी है, आप 3/4 रख रहे हैं या फुल स्लीव्स रख रहे हैं तो आप रख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए, जो हमने स्लीव्स की लेंथ यहाँ पर ले ली है, अब यहाँ पर 3 इंच पर हमने मार्क लगाया है, जो वो खुली साइड हमारी कपड़े की रहेगी। उस साइड से मैंने ये देखिए लगा के और इस लाइन को सीधा कर लिया है, ठीक है। अब देखिए, स्लीव्स की लेंथ हम यहाँ पर लेंगे तो स्लीव्स की लेंथ रेडी मैंने यहाँ पर 21.5 इंच रखनी है और 22 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क लगाया है, ठीक है। 22 इंच पर इसलिए लगाया है क्योंकि जो हम स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे तो 1/2 इंच हमारा उसमें भी जाएगा, ठीक है। तो हमारी फिर ये 21.5 इंच हमारी स्लीव्स रेडी हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर आर्म होल के लिए हम मार्क लगाएंगे तो आर्म होल हमारा यहाँ पर 7.5 इंच है, ठीक है। आर्म होल की जो हम मार्क लगाते हैं वो गोलाई में टेप रख के हमने नहीं लगाना है, हमने इस तरीके से लगाना है, परफेक्ट हमारी फिटिंग आएगी इस तरीके से। अब हमने स्लीव्स की गोलाई के लिए मार्क लगा लिया है 4.5 इंच पर, 3 इंच रेडी हो जाएगा फिर ये हमारा। और मार्जिन के लिए लगा लेना है 1.5 इंच, मैंने दोनों मार्क लगा लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी फिटिंग की जो सिलाई आएगी उसके लिए हमने मार्क किस तरीके से लगाना है, उसके लिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास सेफ पट्टी है, अवेलेबल है, तो आप सेफ पट्टी से लगाइए, मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। अगर आपके पास सेफ पट्टी नहीं है तो एक तरीका मैं आपको और बताऊंगी आगे चलकर। और अगर आप इस तरीके से करेंगे फिटिंग स्लीव्स की, तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी स्लीव्स भी फिटिंग आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो हमने करना क्या है यहाँ पर, ये देखिए फ्रेंड्स, जो सेफ पट्टी है ये देखिए, उसको इस तरीके से हमने रखना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दोनों मार्क हमने इस तरीके से मिलाते हुए और सेफ पट्टी को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर मार्क लगा देंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी स्लीव जो है उसकी फिटिंग आएगी। उसमें जैसे कहीं से ज्यादा टाइट हो जाती है और कहीं से ज्यादा लूज हो जाती है हमारी स्लीव, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। और फिर ऐसे इस तरीके से हमारी जो स्लीव है उसका लुक अच्छा नहीं आता है, यानी कि दिखने में अच्छी नहीं लगती है, तो बहुत से लोगों को दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, एक तरीका मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि किस तरीके से हम फिटिंग करें, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स को गोलाई की शेप दे देंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। स्लीव्स को जो गोलाई की शेप देते हैं हम, जो फिटिंग वाली सिलाई होती है हमारी, जहां पर फिटिंग की सिलाई आएगी वहां से हमने इसको शेप देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, ये देखिए कटिंग कर लेते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स, जो एक तरीका हमारा और है, उस तरीके से भी अगर हम स्लीव्स की फिटिंग करते हैं तो उसमें भी हमारी परफेक्ट फिटिंग आएगी। जैसे जिस किसी को भी बिल्कुल फिटिंग वाली स्लीव्स चाहिए तो उसके लिए बिल्कुल बेस्ट आइडिया है ये, और हमारी जो स्लीव्स हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट हमारी इसमें सिल के तैयार होती हैं, ठीक है। करना क्या है हमने यहाँ पर, ये देखिए इंच टेप हमने इस तरीके से रखना है, और जहाँ पे हमारी हाफ स्लीव्स होती हैं, ठीक है, जैसे हम हाफ स्लीव्स पहनते हैं तो वहां से हमारी हाफ स्लीव्स होती हैं, तो वहां से हमने मेजरमेंट लेना है हाफ स्लीव्स का, और गोलाई में जितना है उसका हमने यहाँ पर हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद इसमें हम 1/2 या 1/4 इंच इसमें लूजिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 1/2 या 1/4 हम लूजिंग दे देंगे और वहां पर मार्क लगा लेंगे। उसी तरीके से हमने देखिए, जो हमारी एल्बो होती है, कोहनी होती है, उसके नीचे से भी हमने इसी तरीके से मेजरमेंट लेना है, और जो भी हमारा मेजरमेंट आता है उसका हाफ करके 1/4 इंच का लूजिंग देके और हम मार्क लगा देंगे। आप यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर कोहनी से नीचे कहाँ से लेना है, तो आप ले लीजिएगा 14 या 15 इंच के बीच में से ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत हो जाती है कि जैसे हाइट कम या ज्यादा होती है तो उसमें दिक्कत होती है, हम कहाँ से ले, तो आप 14 या 15 के बीच में ले लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगी, ठीक है। अब देखिए, दोनों मार्क हमने इस तरीके से लगा लेने हैं, जैसे एक ये मार्क हमारा यहाँ पे आया है और जो हमारा ये
कोरी से नीचे वाला जो मार्क था वो यहाँ पे आया है, ठीक है। अब जो दोनों मार्क हमने लगाए हैं इनका गैप ज्यादा नहीं रहेगा, इसमें बस हाफ इंच का ही इसमें अंतर रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी मेरा हाफ इंच का आया है, जैसे मैंने सेफ पट्टी से इसमें मार्क किया था तो उसमें भी हाफ इंच आया है, और वैसे भी हम मेजरमेंट लेंगे तो उसमें हाफ इंच ही आता है ज्यादातर। अगर किसी की बॉडी का जैसे जो बॉडी अलग तरीके से होती है, कईयों की जैसे मोटापा होता है तो उसमें कम ज्यादा यहाँ पर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसे हाफ इंच का अंतर आता है इसमें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसी तरीके से फिर हम फिटिंग की स्लाइस पर लगा लेंगे, और अब हम फ्रंट जो आर्म होल हमारा रहेगा स्लीव्स का उसकी हम शेप देंगे इसमें। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने शेप देनी है, ठीक है। और हमने क्या करना है कि दो पल्ले हमने यहाँ पर उठाने हैं, ये हमने ध्यान रखना है। अगर हमने यहाँ पर चारों पल्ले एक साथ कट कर दिए तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी स्लीव्स है वो पीछे से खींचने लगेगी, ठीक है, और स्लीव्स हमारी अच्छे से नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है, दो पल्ले कट करने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्लीव्स की कटिंग यहाँ पर परफेक्ट हो गई है। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर साथ में प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।